एन सी आर टी नंबर सेवन यूजिंग बोर्स मॉडल कैलकुलेट स्पीड ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन इनड्रोजन इन द एन एस टू वन टू एंड थ्री लेवल्स और कैलकुलेट ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ तो अगर हम लोग स्पीड मालूम हो जाएगी तो पीरियड तो हम लोग को टू पाई यार रखा इस्पीड से हम लोगों को ऑर्बिटल पीरियड हम लोग को मालूम हो जाएगा टाइम कितना लगना है हम लोग को बेसिकली बी और आर हम लोग को निकालना है दो तीन रास्ते हो सकते हैं एक तो ये हो जाता है कि आपको फॉर्मूला याद है और उसको आपने वैल्यू रखा और हो गया तो अभी तो याद रहेगा एग्जाम में जाके भूल जाएगा तो आपको निकालना ज़रूर मालूम होना चाहिए क्योंकि तो अभी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होता है तो हम लोग अच्छा करेंगे तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर मोस्ट मॉडल आप लोग भी समझ में आ रहा है ठीक है इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऑर्बिट में है तो उसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है ये फोर्स जो तो है जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वो जो फोर्स है वो इसमें काम आ जा रहा है ठीक तो वो जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है कि Q1 Q2 जो है और टोटल ई e स्क्वायर होगी और उनके बीच की कैंसिल स्क्वायर काट दिया अब हम लोग का हो गया ये एम वी स्क्वायर इन टू आर इज गल टू वन अपॉइंट फोर पाई एफम जीरो अर्ध चला गया अब इसको हम लो ने एमवीआर इनटू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू ई स्क्वायर वहां के वी अच्छा ठीक एमवी स्क्वायर तो वी यहां पे आ गया के वी दिखाई पड़ रहा है ना समझ में आ रहा है अभी अच्छा अब बोस के सेकंड पोस्टुलेट से एमवी बराबर होता है एनएच अपॉन 2 पाई तो v हम लोग का कितना आ गया वन अपॉन फोर पाईल नीचे आ गया भी, ये भी यहाँ गया गया ये पे छूट नीचे आ आ और MvR बराबर होता है NH upon pi. तो आपकी गई कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दाइड्रोजन एट अब आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे रखते देनी है बस है, तो जब हमने वन रखा हमने, बराबर रखा की वैल्यू पढ़ाई में 9 10 9, 11th में टू द पावर नहीं में था बुक वन में था ई स्क्वायर e कितना है टू द पावर माइनस नाइनटीन का स्क्वायर अपॉन एन बराबर वन है अभी एक्स सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर अपॉन टू पाई टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर ये लगभग बराबर मान लेते हैं सिक्स पॉइंट टू आ रहा था सिक्स पॉइंट सिक्स था लगभग हम लोगों ने बराबर ये थोड़ा सा ज्यादा ही है अभी नीचे थोड़ा सा ज्यादा वन पॉइंट कुछ है और ऊपर हम लोग का 16 का स्क्वायर कितना है 2.56 पॉइंट फाइव अब पावर पे हम लोग को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए ये 38 है ये 34 है पावर यहाँ पे करेगा नाइनटीन टू जो थर्टी हो जाएगा और ये 34 है ऊपर जाएगा तो हम लोग के यहाँ पे बचिए टेन टू द पावर माइनस फोर और ये टेन टू पावर नाइन है पावर नाइन इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर

इसको जब हम लोग वैल्यू हम लोग करेंगे तो हम लोग का लगभग टू पॉइंट कुछ हम लोग का टू पॉइंट टू आ गया तो देखिए ये 9 था, ये था है तो ये थोड़ा सा अब ये दस के आसपास है तो ये वाली चीज लगभग बाईस आ रही होगी हमने यहाँ पे यूज हम टू पॉइंट टू कर रहे हैं इसके मतलब एक दस हम बाहर और ले रहे हैं वो वाला दस जो है इस टू द पावर फाइव में

थ्री से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को ये हम लोग टू पॉइंट टू को हम लोग थ्री से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा क्या बोल रहे हो अरे 2.2 टू को हम अगर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जीरो पॉइंट सेवन आएगा हाँ जीरो पॉइंट सेवन इंटू टेन टू द पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड क्या आ गया वी थ्री हम लोगों का दिक्कत तो नहीं अभी तक ये निकालना भी तरीका आप लोग को मालूम हो गया अब हम लोग को क्या निकालना हम लोगों को हम लोग को निकालना है रेडियस क्योंकि टू पाई आर बाई बी इस्तेमाल करना है हम लोग को रेडियस चाहिए तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग फिर से पहला वाला फॉर्मूला देखा हम लोगों ने यही वाला यहाँ तक तो यहाँ पे हम लोग तो तो हम लो, आर हम लोग निकाल निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से कैसे निकालेंगे ये वैल्यूज हम लोग कहाँ पे रख दें हम लोग को वैल्यू आप लोग याद रखिएगा हम जब पूछेंगे तो आप लोग बता दीजिएगा तो वी वन बराबर हम लोग का ये है और वी टू बराबर बाकी सब अपने आप आ ही जाएगा इसको हम लोग हटा दे रहे हैं बराबर मिल गया है ना इसको तुम लोग इस्तेमाल करना पड़ेगा आर निकालने में क्या तो, भी हम लोग आ गया अब हम लोग ने भी, भी को उठा के हम लोग को यहां पे रखना है कि स्क्वायर बराबर ये लोगों का तो आर बराबर कितना हो गया हम लोग हम लोग इस वाले फॉर्मूले का हम लोग यूज कर रहे हैं आर बराबर वन अपॉन फोर पाई जीरो इंटू स्क्वायर आज बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्साइलम साइलम जीरो इंटू स्क्वायर इंटू स्क्वायर ठीक ये हम लोगों ने आज हम लोगों ने यहां से लिया हम लोगों ने और अब और अपॉन अब हम लोग को करना है एम वी स्क्वायर ये एम वी स्क्वायर हम लोग ने नीचे ले लिया ठीक है और वी की वैल्यू हम लोग को मालूम अब हम लोग वैल्यू रखनी है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू ई स्क्वायर इंटू एम इसका स्क्वायर ठीक वो नीचे आएंगे वन अपॉन फोर पाई जीरो का स्क्वायर टू पावर अपॉन एनएच अपॉन टू पाई तो एन एच अपॉन टू पाई को हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं क्योंकि ये अपॉन में है यहां पर तो ये ऊपर ये जा सकता है तो इन टू एन एच अपॉन टू पाई का होल स्क्वायर क्लियर ये वन अपॉन फोर पाइव सलम जीरो इससे कट गया ये वन अपॉन फोर पाइव सलम जीरो ऊपर था ये हम लोग का नीचे था तो एक हम लोग का ये बचा ये ई स्क्वायर ई टू द पावर यहां पे ई स्क्वायर बच गया ई टू द पावर फोर कट गया अब हम लोग का क्या बचा एन एच अपॉन टू पाई का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एम इंटू वन अपॉन फोर फाइव जीरो इंटू स्र कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे अब हम लोग इसको भी हम लोग हटा सकते हैं अब हम लोग इसकी पूरे की वैल्यू हम लोग हैं दे हाँ ये एन स्क्वायर तो पहले एन बराबर वन रख कर रहे हैं बाद में यही एन बराबर टू और एन बराबर थ्री के लिए भी कर देंगे टू के लिए करेंगे तो वो फोर टाइम्स हो बराबर थ्री के लिए करेंगे तो नाइन टाइम्स हो जाएगा वैल्यू रखी जाए की वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर का होल स्क्वायर अपॉन टू पाई का होल स्क्वायर स्क्वायर तो पाई हम लोग यूज़ करते हैं इससे हमेशा स्क्वास नाइन पॉइंट माइनस थर्टी वन के जी वन अपॉन फोर पाइव सेल एम जीरो नाइन इंटू टेन टू द दावर नाइन बहुत मुश्किल नहीं है पावर -19 का स्क्वायर ठीक फिर से हम लोग कुछ कैलकुलेट कर लेक्वायर तो सिक्सटी फाइव का स्क्वायर कितना होता है फोर्टी टू टू फाइव उससे थोड़ा सा ज्यादा वो हम लोग फोर फोर कर लेते हैं हम लोग ठीक इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी एट और ये ये सॉरी ये माइनस थर्टी फोर का स्क्वायर टेन टू द पावर माइनस सिक्सटी एट टेन टू द पावर माइनस सिक्सटी एट ये थर्टी एट है नाइनटीन टू दर्टी एट थर्टी एट में थर्टी वन एड करेंगे कितना होगा थर्टी एट थर्टी एट में हम लोग हम लोग थर्टी टू कर देते हैं ये टेन नहीं थर्टी में हम लोग थर्टी एड कर देते हैं ये टेन हम लोग गैप कर देते हैं ठीक है तो ये हम लोगों का कितना हो गया माइनस थर्टी हो गया तो थर्टी एट में हम लोग ने जब थर्टी यूज किया तो कितना हम लोग का हो गया 68 हो थर्टी एट में थर्टी एट किया तो हम लोग का अब देखिए ये गायब हो गया हम लोग का ई ये, ये भी गायब हो गया ये भी गायब हो गया वन पॉइंट सिक्स का स्क्वायर बचा हम लोग का ठीक नाइन बच्चा। रुक तो बहुत है 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 और टेन की पावर माइनस नाइन हम ऊपर लेके चले गए क्योंकि ये दोनों हम लोग का कैंसिल हो रहा अब कुछ ईजी हो गया फोर से एक जने कहने कैंसिल ग्यारह ग्यारह भी आ गया हुँ? हाँ, हम लोग का कितना हो गया एलेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन होल डिवाइडेड बाई एट्टी टू हाँ एटी टू लगभग एट्टी वन पॉइंट नाइन आ रहा है तो वह एट्टी टू है इंटू टू पॉइंट फाइव सिक्स ठीक अब हम लोग का ये हम लोग का क्या आ रहा है हम लोगों का हम लोग की आ रही है रेडियस आ रही है ना हाँ लोग सेम मॉडल पर हम लोग की आ रही है रहा है टू पॉइंट फाइव से हम लोग काट के 11 को 4 कर चार ट्वेंटी पॉइंट फाइव लगभग हम लोग लो लग लो लग आ गए कितनी आ गई ट्वेंटी पॉइंट फाइव 10 टू द पावर माइनस नाइन जीरो पॉइंट फोर एट बीस कम नहीं ट्वेंटी पॉइंट फाइव करेंगे तो पॉइंट जीरो फोर एट आएगा पॉइंट जीरो फोर एट आएगा इंटू टेन की पावर माइनस नाइन आ गया तो अब हम लोग करते हैं इसको हम लोग यूनिट हम लोग एक हम लोग ने से किया तो माइनस टेन हो गया तो पावर माइनस माइनस टेन यही लगभग एक एटम तो ये रेडियस भी यही लगभग होती है एटम की तो फर्स्ट रेडियस हम लोग की आ गई पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन के आसपास ठीक अब हम लोग को क्या-क्या करना है हम लोग को इसको इस प्रॉब्लम में इन्हें हम लोग सम करते हैं तो बेटा वेलोसिटी एक बार आप लोग से हम वेलोसिटी ठीक तो हम लोग हम लोग क्या निकालते हैं हम लोग निकालना है टाइम पीरियड निकालना है टी इज टू टू पाई आर बाई बाई तो पहले हम लोग टी निकाल रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अच्छा आ, ये आर हम लोग निकाला एन बराबर वन के लिए और तो हम लोग ने n का स्क्वायर भी किया था तभी तो हम लोग का सिक्सटी एट आ रहा था और वो उप, और ऊपर भी था तो आर टू जो है ये आर वन हो गई थी R2 टू जो है वो फोर इंटू आर वन होगी और आर थ्री कितनी हो जाएगी हाँ तीन का स्क्वायर नाइन इंटू आर वन ठीक है तो नहीं था था था। अब टी वन बराबर हम लोग कितना आ गया टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन बेटा पॉइंट फोर एट को हमने पॉइंट फाइव ले लिया ताकि थोड़ा सा इजी रहे ठीक है अच्छा और इसकी वैल्यू वे, वेलोसिटी कितनी हम लोगों ने निकाली थी टू पॉइंट वन एट इंटू टेन की पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड ये पॉइंट फाइव और टू मिलके वन हो गया हुँ? तो अब हम लोग देखिए एकदम उसे आसान हो गया थ्री पॉइंट वन फोर इंटू टू पॉइंट वन एट इंटू टेन की पावर माइनस सिक्सटी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो तीन से तो कुछ लगभग ज्यादा करोड़ तो डेढ़ के आसपास आना चाहिए दो से टीम फोर फोर बता रहे हैं तो तो अब यहाँ पे ध्यान देने की है जब ये हम लोग ने टी न, वन निकाला है अब जब टी टू निकालेंगे हम लोग तो ये सारी वैल्यू तो हम लोग ने पूरी कैलकुलेट करी हुई है हम लोग सिर्फ एन को देखेंगे तो एन में वी में भी एन है आठ में भी एन है तो जो V में जो n था वो हम लोग का ऊपर है ऊपर है, तो कितनी वैल्यू होगी 1.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स इंटू फोर टी टू के लिए और वेलोसिटी में क्या था वेलोसिटी में में n का हम लोग यूज कर रहे थे एन से वैल्यू बढ़ रही थी कि घट रही थी एन से वैल्यू डिवाइड हो रही थी और एन सिंगल था स्क्वायर तो था नहीं थी? तो ये यहाँ पे हो गया टू हो गया क्लियर हम ए टू से टू कैंसिल हो गया तो ये कितनी आ गई टू पॉइंट एट इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स लगभग आ गई ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं उसी तरीके से बराबर जब तीन रखेंगे सॉरी 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 है अच्छा और जब हम लोग निकालेंगे तो ये आर्बन की वैल्यू हम लोग की यही रहेगी 1.4 पॉइंट फोर टू द पावर माइनस सिक्सटीन इंटू अब ये तीन का स्क्वायर अपॉन तीन तीन का स्क्वायर रेडियस की वजह से और तीन जो है वो वेलोसिटी की वजह से ये दोनों कट जाएगा तो इसका थ्री टाइम्स हो जाएगा फोर पॉइंट टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्सटीन सेकेंड बहुत छोटा सा सेकेंड है ये आ?